हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू दिस एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर आज हम फोकस करेंगे ऑन द करंट अफेयर्स ऑन द हेडलाइंस फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड ऑफ सितंबर. हमने आज सुबह डिस्कस किया था द फोर्थ ऑफ सितंबर, तो मैंने एज प्रॉमिस्ड वी आर बैक हियर अगैन विद डिस्कशन ऑन द सेकंड एंड द थर्ड सितंबर हेडलाइंस. तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले द हीरो ऑफ द डे. एंड ये रहे हमारे आज के हीरो ऑफ द डे. वेल, ही इज द ग्रेट, द लेजेंडरी, ही इज एल्बर्ट Einstein. Well, the intelligence of anyone is always compared with Einstein. For example, अगर आप बहुत मेधावी हैं, you can be called as similar to Einstein. तो इन्होंने ऐसा एक parameter set किया है science में, which is unparalleled, and so he is the hero of the day. चलिए शुरू करते हैं गाइस, तो दिखाते हैं हम आपको आज की हमारी पहली इमेज, और ये रही आपके सामने our first image guys. जिस इमेज को देख के आप जान पाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं. इस इमेज को ऑलरेडी हमने सुबह भी यूज़ किया है, यहाँ पर तो वो सीधे धमकी दे रहे हैं, पर यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिक्स समिट एंड ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट अग्रीमेंट्स दैट इंडिया विल साइन विद ब्रिक्स एंड ऑल्सो विद द अदर कंट्रीज इन द ब्रिक्स समिट दैट इज टेकिंग प्लेस इन जियाम इन चाइना. तो वापस एक बार स्क्रीन पर आ जाए और अब आपको दिखा दें इसका हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट्स गाइज. एंड हियर आपके सामने द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. ओके, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उन चीज़ों यहाँ पर इस शो में, चूंकि ये शो पुराना है दोस्तों, सेकेंड थर्ड सितंबर का है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पहले इमेज एंड फिर दिखाएंगे उसका हिंदू शॉर्ट्स. और ये रहा आपके सामने द हिंदू शॉर्ट्स गाइस. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल साइन फोर अग्रीमेंट्स इन द ब्रिक्स समिट एंड विच इज टेकिंग प्लेस इन जियाम इन चाइना. The agreements will be on global economic issues, national security and developmental related issues. Similarly, यहाँ बात करें तो इसकी जानकारी दी by the spokesperson of the MEA or the Ministry of External Affairs, Mr. रवीश कुमार. तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि चार आपके agreements होंगे इंडिया और ब्रिक्स के बीच या इंडिया और बाकी देशों के बीच. Similarly, इसकी जानकारी दी है by the spokesperson of the MEA, that is Mr. रवीश कुमार. ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स समिट क्या है, इसकी जानकारी ऑलरेडी हम आज के मॉर्निंग शो में आपको दे चुके हैं. आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ कम टू आर नेक्स्ट इमेज गाइस. एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज. वेल, दिस मोटली ग्रुप ऑफ पीपल, दिस क्राउड बेसिकली आर द रोहिंग्या मुस्लिम्स. इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इट विल लिसन टू द प्ली ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम, जिनको कहा गया है करीब करीब इन लोगों को कहा गया है कि भारत छोड़कर म्यांमार जाएं बिकॉज दे बिलोंग टू द कंट्री ऑफ म्यांमार एंड म्यांमार इज नॉट कीन टू टेक दम इन. तो ये एक तरह से फंस गए हैं, आगे कुआ है पीछे खाई है, तो ऐसा फंस गए. तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दे विल लिसन टू द प्ली ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम्स. तो स्क्रीन पे वापस आ जाएं और अब आपको दिखा दें इसका हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स क्या आएगा इस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हेडलाइन है. यहाँ पर सवाल ना सिर्फ आएगा अबाउट द करंट अफेयर बट ऑल्सो अबाउट हु आर द रोहिंग्या मुस्लिम. तो ये आपके सामने द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट्स. सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड टू हियर अ प्ली ऑफ द रोहिंग्या मुस्लिम्स अगेंस्ट गवर्नमेंट मूव टू डिपोर्ट 40,000 रोहिंग्यास टू म्यांमार. Rohingya Muslims are basically Indo-Aryan people. They belong to the Rakhine province of Myanmar. And according to the Burmese Citizenship Law of 1982, they are denied citizenship of Myanmar. मतलब म्यांमार इनको अपना राज्य नहीं मानता है. और ये जो मुस्लिम्स हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ये एग्जाम्पल है एथनिक क्लेंसिंग का. मतलब क्या, a process, a policy through which a particular race, a particular regional class is tried to make extinct या उसको ख़त्म करने की बात की जाती है, जैसे कि जूस के साथ हुआ था जर्मनी के अंदर. उसी तर्ज पर रोहिंग्या मुस्लिम्स भी उसी particular process के भुक्तभोगी हैं एंड दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लेंसिंग. वापस स्क्रीन पे आ जाएंगे गाइस एंड आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज विच इज़ आर थर्ड हेडलाइन. एंड हियर ही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइस. वेल, दिस इमेज गिव्स एन एग्जांपल ऑफ अ हैंगर, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स फाइटर जेट्स आर केप्ट. इंडिया में भी इसको लेकर एक न्यूज़ आई है गाइस. वापस स्क्रीन पे आ जाएं. द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ इनॉग्रेटेड अ मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट हैंगर, उसकी बात अब हम आपसे सामने करेंगे. तो दिखा दें उसी का हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स गाइस. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हेडलाइन के बगल लिखा हुआ है पेज नंबर, दैट इज़ द पेज नंबर. सो दिस इज़ द हेडलाइन ऑफ सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर गाइज एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 2. Indian Coast Guard Director General Rajendra Singh has inaugurated a multi-mission aircraft hangar in Bhubaneswar. Well, Indian Coast Guard was founded in 1978. The headquarters are in New Delhi. The Coast Guard Day is on 1st of February and this particular organization works under the Ministry of Defence.
आगे बढ़ते हैं गाइस एंड आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज एंड अब आने वाली है आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस एंड ये रही आपके सामने अगेन स्पेस क्राफ्ट अगेन एन एयरक्राफ्ट बट अनलाइक द प्रीवियस न्यूज यहां पर एक पॉसिबल डील होने वाली है बिटवीन द अडानी ग्रुप एंड अ स्वीडिश एयरक्राफ्ट कंपनी साप. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस और दिखा दें आपको वो डील क्या है. देर इज गोइंग टू बी अ डील बिटवीन साब एंड अडानी ग्रुप एंड द गवर्नमेंट इज कीन ऑन अप्रूविंग दिस पर्टिकुलर डील. तो स्क्रीन पे आपको दिखा दें वो हेडलाइन और हमारा हिंदू स्टैटिक शॉट्स. इंडियन एयरफोर्स विल साइन अ डील ऑफ विच इज ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर डील इन विच अराउंड 100 सिंगल इंजन फाइटर जेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड. ये जो टाइप होगा वो होगा अडानी ग्रुप कौथर अडानी जिसके फाउंडर हैं और स्वीडिश कंपनी साब के बीच में. ऐसा कहना है बाय द सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ साब दैट इज हाकन बुशके. साब की बात करें तो साब का कोई फुल फॉर्म तो एज सच इंग्लिश में नहीं है पर इसका जो इस्टैब्लिशमेंट है वो है 1937 में हेडक्वार्टर्स के हैं स्टॉकहोम स्विट्जरलैंड में. इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा. तो सवाल बन सकता है कि अडानी ग्रुप हैज टाइड अप और शैल टाई अप विथ विच स्वीडिश कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग फाइटर जेट्स. द आंसर वुड बी साब. सिमिलरली जो नंबर है द मैजिकल नंबर इज 100 सिंगल इंजन फाइटर जेट्स. वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस और आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज. ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस. एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज इज एन इंडियन ओरिजिन डिप्लोमैट. ही इज अ ब्यूरोक्रैट गाइस नॉट अ डिप्लोमैट ही इज ब्यूरोक्रैट इन सिंगापुर एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर. तो अब दिखा दें इसी का हिंदू स्टैटिक शॉट जहां पर कि इनका नाम भी आएगा और अब करंट में इस पर्टिकुलर हेडलाइन के बारे में आपको क्या क्या जानना है. पिल्लई चोजन एज एक्टिंग सिंगापुर प्रेसिडेंट. इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल जे वाई पिल्लई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन सिंगापुर. ही विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द नेक्स्ट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड. He will replace Tony Kent, who has completed 6 years as the president of Singapore. अगर सिंगापुर की बात करें तो apart from the president, the PM is Lee Hsien Loong and the capital guys is Singapore City and the currency is Singapore dollar. वापस स्क्रीन पे आ जाएं एंड अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस. वी हैव टू हाईली एमिनेंट पीपल. ऑन वन साइड वी हैव द स्वीडिश काउंटर पार्ट द स्वीडिश हेड ऑफ स्टेट एंड देन वी हैव आर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं. देर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप कॉल्ड एज EFTA इन विच स्विट्जरलैंड इज अ वेरी क्रूशल पार्ट. अकॉर्डिंग टू द प्रेजिडेंट ऑफ स्विट्जरलैंड दे वॉन्ट an early agreement between EFTA and India. They want basically a free trade agreement जिसमें कि व्यापार बहुत ज़्यादा बंदिशों से ना हो. The restrictions on the trade are lessened due to this particular agreement guys. तो उसको लेकर comment किया है by the president of Switzerland who was on a 3-day visit to India. तो स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी हेडलाइन को और उसकी खबर को. Switzerland for early India EFTA pact. Early free trade agreement should be done between India and EFTA. EFTA stands for European Free Trade Association. The members of EFTA are Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein. EFTA secretariat is in Geneva. The current secretary general is क्रिस्टन एफ अमेसोन एंड एस्टैब्लिश इन द ईयर 1960. तो एक अग्रीमेंट की बात की है. देर शुड बी अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड EFTA. वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस और बढ़ते हैं आगे टू आर नेक्स्ट इमेज. ये रहा आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस एंड दिस इज द इमेज. दिस इज एन इमेज ऑफ द फोर हेड्स ऑफ स्टेट्स नरेंद्र मोदी एंड दीज आर द स्टेट्स. यहाँ पर ये इमेज थोड़ी पुरानी है क्योंकि जो सेंटर में है दिलमा रोसेफ वो अब हेड नहीं है बल्कि कोई और हेड है मिचेल तेमेर हेड इफ आई एम करेक्ट. तो उनको बस हम हटा देंगे. बाकी जो हैं वो अभी भी वही हमारे हैं. तो इस इमेज पर ध्यान दीजिएगा जो सेंटर में है वो अब प्रेजिडेंट नहीं है ब्राज़ील की. अब वहाँ पर आ गए मिचेल तेमेर इफ आई एम करेक्ट. एक बार चेक कर लेना फिर भी. अब दिखा दें इसकी कोई इमेज तो हमारे पास नहीं होगी. तो यहाँ पर हम आपको बता दें ब्रिक्स समिट बेसिकली स्टार्ट हो रहा है. इस समिट के बारे में पूरी जानकारी ले लेना. फॉर एग्जाम्पल समिट का थीम क्या है इसको आपको देखना पड़ेगा. मेंबर्स आप सब पता है 4 अग्रीमेंट्स होंगे भारत के ब्रिक्स समिट में. सिमिलरली इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कौन कौन से हैं और वो बाकी 5 कंट्रीज़ कौन से हैं जो कि इस समिट में मेंबर्स इस समिट में दे आर इनवाइटेड. सो
आपके ब्रिक्स तो हैं, BRICS मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज वी हैव 5 more countries. तो सवाल बनेगा, मैंने जानबूझ के आपको बता नहीं रहा हूँ, वो 5 countries और कौन कौन सी हैं जो कि इस समिट का पार्ट है. ये सवाल मेरा आपसे भी है. यू हैव टू आंसर दोस दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. तो देखिएगा, सिमिलरली इस समिट की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए. कुछ नहीं करना है आपको, एक बार ब्रिक्स समिट डालो जो समिट होने वाला है, एंड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके नोट बना लो. ना सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए भी और एसे के लिए भी ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इमेज पे गाइस, एंड ये रही आपके सामने नेक्स्ट इमेज. एनी आइडिया ये कौन है? वेल, ही इज नाउ द US एम्बेसडर टू इंडिया. ये भारत के लिए US के एम्बेसडर है गाइस. तो अब आपको दिखा दें स्क्रीन पर इन्हीं की हेडलाइन, और ये रही आपके सामने द हेडलाइन विद द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट्स. Kenneth I. Juster has been appointed as a US ambassador to India. This position of the ambassador was vacant since January, and before the appointment he was a deputy director of the National Economic Council. चलिए वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस, एंड दिखा दें आपको हमारी नेक्स्ट इमेज. एंड ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, नासा. वेल, नासा इज इन न्यूज बिकॉज दे हैव अ पॉसिबली अ न्यू डायरेक्टर, दे हैव पॉसिबली अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा गाइस. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएंगे गाइस और दिखाते हैं आपको कि हु इज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ऑल ऑल्सो अबाउट सम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नासा. तो ये रहा आपके सामने गाइस, जेम्स ब्रैडनस्टीन, अ फॉर्मर नेवी पायलट एंड रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, शैल हेड द US स्पेस एजेंसी नासा. नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1958. द मोटो इज फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल. Acting administrator is Robert Lightfoot and the headquarters are in Washington, US. वापस स्क्रीन पे आ जाएं, दिखा दें आपको हमारी नेक्स्ट इमेज. ये रही आपके सामने हमारी नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड दिस इज द नेक्स्ट इमेज. ओके, कोई और इमेज है नहीं, इसका मतलब ही सारी खबरें जो हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. तो जाहिर सी बात है अब आपको दिखा दें हम द हेडलाइंस, एंड ये रही आपके सामने द हेडलाइंस गाइस. दीज आर द फर्स्ट 5 हेडलाइंस. नेक्स्ट पे आते हैं. यहाँ लिखा हुआ है एस, एस मतलब होता है संडे. सो अप टिल हेडलाइन नंबर 6 हेडलाइंस आर फ्रॉम सैटरडे, एंड जहाँ लिखा है एस द हेडलाइंस आर फ्रॉम संडे. सिमिलरली 9 पर देख सकते हैं लिखा हुआ है S24 मतलब सेकेंड जो एडिशन आता है संडे का स्पेशली, उसमें आपकी खबर थी कि फॉर्मर US नेवी पायलट टू हेड नासा. एंड वापस अब स्क्रीन पे आ जाएगा, इसे हम आपको दिखाते हैं हमारी लास्ट इमेज, द मोटिवेशनल इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर शो. एंड ये रही आपके सामने, इफ ए इज अ सक्सेस इन लाइफ देन ए इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड. Work is X, Y is play, and Z is keeping your mouth shut. So, success in life is equal to work is play and keeping your mouth shut. That is the essence of life. So, I will tell you guys, try to conserve your energy, try to focus your energy in the right direction. कोई कुछ भी बकवास करे, हर बकवास में अपनी राय देना सही नहीं है. शांत रहो, फोकस रहो, बहुत आगे बढ़ोगे. विद दिस इज कुश पांडे साइनिंग आउट फ्रॉम द शो. थैंक यू सो मच गाइस, पीस आउट.